तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे कि एक लाभार्थी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और आधार वेरिफिकेशन भी आसानी से करेंगे। इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को कोई झंझट नहीं है, आप लोग को आधार वेरिफिकेशन करना, आप लोग आसानी से आधार वेरिफिकेशन और लाभार्थी भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग बेनिफिशरी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पर किसी भी लाभार्थी का अगर आप लोग के पास आधार कार्ड है तो आप लोग आसानी से अभी अभी आप लोग क्या करेंगे कि रजिस्टर करेंगे और आधार वेरिफिकेशन भी कर लेंगे और THR भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आज हम लोग का एक लाभार्थी का जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और वो भी प्रेग्नेंट वोमेन को। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए कि इस तरह से पेज खुल गई है और खुलने के बाद देखिए कि आप लोग को जो वेरीफाई है इस तरह से दिखाएगी और नहीं वेरीफाई है इस तरह से दिखाएगी। लेकिन आज हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप लोग को जो है 13.5 अपडेट आ गई है। तो देखते हैं आज हम लोग करके इसमें रजिस्ट्रेशन होती है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रेग्नेंट वोमेन का नाम है, यानी कि आप लोग प्रेग्नेंट वोमेन का नाम लिखिए इस तरह से। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि नीचे में उसका हस्बैंड नेम है, यहाँ पे हस्बैंड नेम दे दीजिए इनका। उसके बाद आप लोग देखिए कि आधार नंबर है, यानी कि आप लोग यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आधार नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग इनका आधार नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह से आधार नंबर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो चलिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग डाल लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इनका मोबाइल नंबर हम लोग डाल लेते हैं, यानी कि इनका जो मोबाइल नंबर है वो आप लोग डालिए और ये आप लोग को सही होनी चाहिए। अगर आप लोग गलत लिखते हैं तो आप लोग को जो हो सकता है कि यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि माइग्रेट करना चाहेंगे या OTP का झंझट होगा तो आप लोग को जो हो सकता है तो प्रॉब्लम। इसलिए आप लोग जो है इनका आधार नंबर सही सही डालिए और डालने के बाद आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनका आधार नंबर, तो इस तरह से हम लोग इनका मोबाइल नंबर डालते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है ये कितने महीने का प्रेग्नेंट है, तो इस तरह से आप लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आप लोग का जो है इनका बच्चा जो है फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है। अगर आप लोग का फर्स्ट होगा तो यस करिएगा, अगर फर्स्ट नहीं है तो नो कीजिएगा। बाद जो बच्चा हुआ था इसका गर्भपात हुआ था तो आप लोग यस या नो कीजिएगा, अगर इनका हो गया होगा तो इस तरह से यस करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है इनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है यानी कि मेंस का डेट ये कब रुका था तो आप लोग इस तरह से डालेंगे, यानी कि 9 मंथ पीछे है इनका जो है। तो इस तरह से हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग इनका मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट हम लोग डाल लेते हैं और सबमिट मारते हैं। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो ये जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए कि इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी। जो ये लाभार्थी है आप लोग को यहाँ पे शो कर दी जाएगी, यानी कि आप लोग देखिए कि बबीता देवी के नाम से यहाँ पे शो कर दी गई है और ये देखिए कि आधार वेरीफाई नहीं है, लेकिन आप लोग आसानी से आधार वेरीफाई इनका कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ से आप लोग जो स्लाइड मारेंगे, यहाँ पे जैसे स्लाइड मारेंगे तो इस तरह से जो है खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ से आप लोग आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ से आप लोग आसानी से वेरीफाई मारिए। जैसे ही वेरीफाई मारेंगे तो ये देखिए कि आप लोग को जो है आधार वेरीफाई ले लिया, यानी कि जो कंप्लीट ले लिया। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इनका जो है आधार वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और इसी तरह से आसानी से आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन भी इसी से कर पाएंगे। तो आप लोग को तो सबसे पहले आधार सही रखना होगा और आसानी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस तरह से आधार वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। अब बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और जो प्रॉब्लम है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।